पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। बाबा है क्या? आर्या को कभी पता नहीं चल सकता कि उसके बाबा कौन है। बाबा का फोन है ना? झूठ मत बोलना मुझसे। नहीं, मैनेजर साहब का फोन है। आई, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। आर्या, देख, देख हमारे पास ना इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं। चल, मैं जो बोल रही हूँ वो कर और चल मेरे साथ। नहीं, इस बार मैं नहीं मानूंगी। जब देखो जब इधर से उधर, मैं सोलापुर छोड़ के नहीं जाऊंगी। तू जा। कैसे नहीं जाए? हाँ, तेरे हाथ पैर बांध के तुझे ले जाऊंगी। तेरे दोस्त ही है ना, उसे तेरे जाना आसान है। शुल्बा काकी गाड़ी होगी, किसी से बात नहीं करती ना तू, पर मेरी तो बनती है ना सबसे। मुश्किल से एक अच्छा दोस्त बना है मेरा सोनू। सब उसके खिल्ले उड़ाते हैं और परेशान करते हैं, बस मैं ही उसे बचाती हूँ। अगर मैं चली गई तो उसका क्या होगा, सोचा भी है? मैं नहीं जाऊंगी, लड्डू हजम खेल खत्म। आर्या, अपने पाप और मैल धोने का धोबी घाट समझ रखा है तूने मुझे सत्या? अब समझ में आया कि तूने मेरी बेटी दामिनी के साथ शादी क्यों की है। सारी जिंदगी गांव वालों की सेवा की है मैंने, थोड़ा बहुत जो नाम कमाया है, गांव वालों का भरोसा कमाया है, वो छीनना चाहता है मुझसे तू सत्या? कुछ तो दो टके का गुंडार मवाली है, और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि गांव वालों का तुम्हें कभी समर्थन प्राप्त नहीं होगा। तुमने मेरी बेटी के साथ शादी इसलिए की ताकि अपने नाम पर लगी हुई कालिक को पहुंच सको, जमाई बनोगे गांव के और फिर सारी जमीन हड़प लोगे। ये जगह गांव वालों की है सदियों से, ये जमीन माँ है उनकी, इसे मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगने दूंगा। पुलिस, मीडिया, कार्यकर्ता सबको आगाह करूंगा तुम्हारे बारे में। तुमसे जो होता हो वो कर लो। वो सब ठीक है, लेकिन एक मतलब प्रॉब्लम है। ये बात का बहुत अफसोस रहेगा मुझे कि आप अपने नातू, अपने ग्रैंडसन का चेहरा नहीं देख पाओगे। We'll be right back.
एक सेकंड, ये पानी आपके कंधे के पीछे से छिड़क दीजिए, अब शकुन टल जाएगा। ये तेरे टोटके खत्म नहीं होते ना कभी। अरे भाऊ, इसी टोटके की वजह से तो आज हमारे साथ आप वापस आए हो ना। कैसा है, मानो तो श्रद्धा, नहीं तो अंदर श्रद्धा। कैसा है, पीछे डालने? बराबर बराबर, पीने का इस? नहीं नहीं, पका। अरे मैना। दादा, साल 80 साल के बराबर लगे मुझे, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई जेल नहीं है जो मेरे दादा को रोक सके। फिर दादा, इन 8 साल में पता है कितना कुछ है जो आपको बताना है। बस 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 बस, अब धार धार शुरू मत हो जाना। चलो अब पापा की आरती करनी है। सत्या, अंदर बापा है और वहां पापा है, मेरे बाबा, और दोनों को एक समान मानता हूं मैं। इन्होंने मुझे गोद में खिलाया और उन्होंने अपने कंधे पे बिठाया, और उनके कंधे पे बैठने के बाद मैं आगे देख सका। थोड़े से नाराज है मुझसे, सोच रहा हूं पहले उन्हें मना लो। अरे इसको देखो जरा, एकदम सेम वैसे के वैसे, बदली नहीं। अरे बाबा वही, रुक जा सत्या। ये घर ईमानदारी का मंदिर है, एक और कदम आगे मत लेना। अहो, ताता इतने सालों के बाद घर पे आए हैं, कम से कम आप तो पुरानी बातों को भूल। समझदार है बेला, रिश्तों की अहमियत को समझती है। हमारी नहीं ना सही, कम से कम इसकी बात तो मानो। इस घर का बड़ा बेटा हूं मैं, तेरा बड़ा भाई। अभी एक बात बता मेरे को, झगड़ा रिश्ते से बड़ा होता है क्या? मेरा रिश्ता सिर्फ कानून से है, और कानून से बड़ा कोई नहीं है। नियम का पालन करता हूं, इसलिए तो शायद आज तक जिंदा है, वरना कब का ठोक दिया होता। अंकुश, तुम इंस्पेक्टर बाद में, छोटे भाई पहले हो। अरे आई, इसको अगर उतनी समझ होती तो ये अपनी वर्दी को साइड में ढकेल के वो टाइम पे मेरे को हथकड़ी नहीं लगाता। अरे बाइज्जत बरी किया गया मेरे को, जज साहब बोले यू गो। पर हम दोनों तुझे अब भी क्रिमिनल ही मानते हैं, लेकिन तेरी आई नहीं मानेगी। अपने बड़े बेटे के प्यार का चश्मा जो चढ़ा है उसकी आंखों पर,
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।